एमपी राजस्थान के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन को सीधे सीधे स्पष्ट निर्देश दिए कि हमें ऐसा इलेक्शन कमीशन चाहिए जो भारत के लिए काम करे और स्पष्ट फैसला ले सके, उसमें किसी के आदेश की परवाह न करते हुए काम करे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इलेक्शन कमीशन को सीधा टारगेट करते हुए बहुत ही कड़ी बातें कही। चार राज्यों के चुनाव नतीजे में बढ़ाकर लोगों ने कांग्रेस को किया सपोर्ट, जिसमें वोटों की काउंटिंग मन चारों राज्यों के आंकड़े से तो 4,81,00,000 वोट बीजेपी को मिले, वही 4,90,00,000 कांग्रेस को वोट मिले। फिर कांग्रेस की लोकप्रियता कम कैसे, पेश है एक रिपोर्ट। जीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने एक दिन बोला है कि हमें भारत देश में वो इलेक्शन कमीशन चाहिए जो यदि प्रधानमंत्री के भी अगेंस्ट में कुछ भी एक्शन लेना है तो लेने की कैपेसिटी रखे और इसके पास क्षमता होनी चाहिए। पर वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से काम किया है वो हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। क्या 15,000 कंप्लेंट जो पड़े इलेक्शन कमीशन के बिफोर में मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के, तो क्या नहीं डिसाइड होना चाहिए? आप सब लोग बताइए ना, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने शिवपुरी में ईवीएम फेंकी गई उसको क्यों नहीं स्टार्ट किया? 15,000 कंप्लेंट आपके अगेंस्ट में पेंडिंग है, आपने सीधा रिजल्ट डिक्लेयर करने बैठ गए। ईवीएम पर हमारे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। ईवीएम को लेकर फिर से आप लोग कहीं ना कहीं एकजुट हो रहे हैं? एकजुट थे, हैं और रहेंगे। क्या कारण है सर ईवीएम को लेकर? सर क्या चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है? नहीं, बात ही हमारे कुछ प्रश्न है ईवीएम के बारे में। भारतीय संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। क्या इलेक्शन हो रहा है कि तमाशा बना के दिए हो कि आप इलेक्शन कमीशन बैठ गए और सिर्फ बीजेपी के लिए आप काम करने लगे? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कैंडिडेट जितने हैं उसमें भी तो आप नॉर्मल पीपल्स के लिए, आपने आर्टिकल 324 को अच्छे से नहीं पढ़ा, 325 को नहीं पढ़ा अच्छे से आपने, तो बिल्कुल ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ भी करते रहे, देश की जनता का पूरा आप राइट्स खत्म किए दे रहे, एक स्पेसिफिक पार्टी को आप बनाए रखने के लिए पूरे देश का वॉल्यूशन कर रहे हैं। से जुड़ी एक एसेसरीज है वो गायब हुई है, एग्जैक्टली क्या शिकायत आई? ये जो ईवीएम का एक पार्ट है, कंट्रोल यूनिट जो रिजर्व थी, वो ले जाते वक्त कहीं उनके मेशों की या किसी ने उठा ली, इस संबंध में एक प्रकरण दर्ज है, जांच कर रहे हैं। ये शिकायत कब आई है एसएसओ साहब, कब आपकी जानकारी में आया कि ऐसा हुआ है कि एक कंट्रोल यूनिट जो है वो गायब हुई है या कोई उठा ले गया, ये कब आपकी? 26 तारीख को अभी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। चाहूंगा ये सिर्फ ये देखें, उसके बाद बोर्ड देखें, मीडिया में कोई इसकी भनक ना लगे। नरेंद्र मोदी जिले के अमित शाह जी ने जो जो पैतरे अपनाए चुनाव जीतने के लिए और गैर कानूनी पैतरे, चुनाव आयोग को अल्टीमेटम तक दिया गया, धमकी तक आ गई है, हमने उनको संज्ञान में ले और 3 राज्यों का चुनाव फिर से कराया जाए। हम तत्काल इस्तीफा मांगते हैं इलेक्शन कमीशन का, तत्काल इस्तीफा दे चुनाव आयुक्त, इनको जेल में भेजना चाहिए, जहां तक अगर इस धांधली से अप्रूव होती तो जेल जाए और 3 राज्यों का चुनाव फिर से हो। हमें चंद्रचूड़ साहब पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि चुनाव आयोग के आदमी खड़े होकर वोट डलवा रहे हैं और उनका आदमी देगा कि आपने किसको वोट दिया, इतनी तक धांधली की गई है वहाँ, उसके राइट्स का वॉल्यूशन हुआ है। एमपी में राजस्थान में हुई, उसकी एक बकायदा फाइल बनाकर जो है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के पास आया। ईवीएम मशीन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आदरणीय मोदी जी ने किया है जो आज ये हार का देखना पड़ा। लेकिन यही लोग कहते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, ये अगर आप फेल करते रहिएगा जनता। बस काफी सारे सबूत और एविडेंसेस।